जी जनाब, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डियर की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशी के बारे में। ये है जी सामर डियर, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका बॉडी कोट और कलर वो सब स्पीशीज़ के हिसाब से वेरी करता है। ये येलोइश ब्राउन से डार्क ग्रे हो सकता है। मेल्स का कलर जो है वो थोड़ा डार्कर होता है और उनकी नेक पे जो है कोट, हेयर्स का कोट होता है, और 550 केजी तक इनका वज़न होता है। ज़्यादातर हरनों की तरह इनके भी मेल्स में सींग यानी एंटलर्स होते हैं, जो कि अप्रैल टू मई के दरमियान ये शेड करते हैं। उनसे कीमती चीज़ें बनती हैं, जैसे कि नाइफ हैंडल्स, गन के ग्रिप हैंडल्स वगैरह। फीमेल का कलर जो है वो थोड़ा लाइट होता है। मेल अकेला रहना पसंद करता है, बट फीमेल्स तकरीबन 16 के ग्रुप में हर्ट की शक्ल में रहती हैं, और वो साथ अपने यंग वंस को रखती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। सांबर डियर ज़्यादातर जो इंडियन लेपर्ड है, क्रोकोडाइल है और बंगाल टाइगर का शिकार बनते हैं, और बंगाल टाइगर तकरीबन 60% तक इन्हीं का शिकार करते हैं। ये अपने शिकार से बचने के लिए डिफरेंट पुकिंग साउंड्स निकालते हैं, और इसके अलावा जो अपने नेक हेयर्स हैं उनको इरेक्ट कर लेते हैं ताकि खौफनाक नज़र आए। ब्रीडिंग सीजन में ये अपना यूरिन अपनी बॉडी पर भी स्प्रे करते हैं, और ग्राउंड पर स्प्रे करके अपने एंटलर्स के साथ उस गारे को लगा के फिर दरख्तों के साथ रब करते हैं अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए। ये ज़्यादातर पानी के नज़दीकी एरियाज़ में पाए जाते हैं। साउथ एशिया, सुमात्रा, ताइवान इनका जो हैबिटेट है। पिछले 30 सालों में इनकी 50% पॉपुलेशन जो है कम हुई है।